हाथों को उठा के बोलो हालेलुया, बोलो हम अपने गलत चीजों को छोड़ रहे हैं अपने जीवन से, सही बातों को अपने जीवन में आने देने के लिए हम तैयार हैं, उसके उसकी वास्तविकता को हम अपने जीवन में पूरा होने के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया। देखिए एक महत्वपूर्ण पदों को हम देखेंगे यहां पर, और हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 14 उसका 22 और 23 पद को हमारे साथ पढ़ें, 22 और 23 पद को पढ़ें, यूहन्ना 14 अध्याय 22 और 23 पद को हमारे साथ पढ़ें। बाइबल क्या कहती है? उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उसने कहा, उससे कहा, हे प्रभु क्या हुआ, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है पर संसार पे नहीं। देखो कोई चीज अगर हम जल्दबाजी से वचनों को पढ़ें तो हम कुछ भी समझ नहीं सकते। हम अपने जीवन में जल्दबाजी से चंगाइयां लेना चाहते हैं, नहीं ले पाते। हम अपने जीवन में कुछ जल्द ही परिवर्तन चाहते हैं पर नहीं परिवर्तन कर पाते। हम अपने जीवन में एक बड़ी शक्ति को, बड़ी सामर्थ्य को जल्दी से ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। देखो बाइबल का वचन क्या कहता है, फिर से इसको पढ़ो हमारे साथ, 22 पद। और बाइबल कहती है कि जो इस्करियोत ना था यहूदा, उससे कहा, हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करता है पर संसार पर नहीं। देखिएगा, वो हम पर प्रकट करता है पर संसार पर नहीं। परमेश्वर अपना प्रगटीकरण संसारिक जीवनों में नहीं देने वाला, परमेश्वर अपनी महिमा का प्रगटीकरण गलत जगहों पर नहीं देने वाला। वो कहता है यहूदा, प्रभु आप क्यों ये बातें हम पर प्रकट करते हैं और संसार पर नहीं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे। पहला देखिए प्रगटीकरण का, यीशु का जो प्रगटीकरण है वो हमारे जीवनों के लिए कैसे होगा, किन तरीकों से होगा, ये चीज बता रहा है प्रभु। और आप उसके चमत्कारों को, आप उसके वास्तविक चीजों को जो यीशु आपको देंगे कैसे पाएंगे। देखो इन वचनों को समझने का प्रयास करो। यीशु ने कहा यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, पहली चीज प्रगटीकरण के बारे में बता रहा है। प्रगटीकरण एक मैटीरियल के समान है, यीशु का प्रगटीकरण एक परिपूर्णता के समान है, यीशु का प्रगटीकरण एक महिमा के समान है। और उन महिमा की बातों में, उन परिपूर्णता की बातों में परमेश्वर ने जो मैटीरियल दिया है हमें उसको जानना है। पहली चीज उसने कहा कि कोई मुझसे प्रेम रखे, पहली चीज हमें मसीह से प्रेम रखना है। तो यह चीज तो पहला यूहन्ना में समझा रहा है हमें, पहला यूहन्ना अध्याय 1, पहला यूहन्ना अध्याय 5:4 में प्रेम के बारे में समझाता है। और देखो यहां पर प्रेम रखे, पहली चीज हमें मसीह से प्रेम रखना है, मतलब मसीह के स्वभाव से। मसीह से प्रेम रखने का मतलब क्या हुआ? कुछ लोग बोलते हैं भैया मसीह से, मसीह की अगुवाई में हम चलते हैं और किसी की अगुवाई में नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि हम केवल मसीह की अगुवाई में चलते हैं और किसी की अगुवाई में नहीं। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, जाओ और मसीह को ढूंढो। और मैं कहूंगा कि जाओ मसीह कहां है? उसने तो अब पतरस को दे दिया आपके लिए, अब मसीह तो यूहन्ना को दे दिया आपके लिए, अब मसीह तो पीटर को दे दिया आपके लिए, उसने अब तो उसने इस्तफनुस को आपके लिए दे दिया है, अब तो पौलुस को आपके लिए दे दिया है, आप ढूंढो जाओ मसीह को। उसने कहा कि नहीं, मेरा अगुआ और मेरा जो चरवाहा है वो केवल यीशु है। यस हम मानते हैं, पर उसने तथ्य के रूप में, वर्ड को देखो, तथ्य के रूप में, प्रमाण के रूप में, और नेतृत्व करने वाला, लीडरशिप, अंग्रेजी में बोलते लीडरशिप, कौन कर रहा है लीडरशिप, ऐसे में बोलते हैं ना। और लीडरशिप क्या है? लीडरशिप, लीडरशिप मसीह की आत्मा में है। अगर वो मसीह की आत्मा में है, वही आपका अगुवा हुआ, वही आपका स्पिरिचुअल पिता हुआ। इस बात को समझना, इसे आप झुटला नहीं पाएंगे। अगर आप ये कहेंगे कि मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं है तो आप मारे जाओगे। बहुत सारे लोगों ने कहा मैं स्वतंत्र सेवा कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने कहा मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं है, आज वो श्राप में है,
और मैं उसे अपनी आंखों से आज देखता हूं और रोता हूं इस बात के लिए, क्योंकि उसने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। आपको सीधे सीधे अगर आप कुछ भी परमेश्वर की आत्मा में अगर चलने का विचार करें, तो देखो ध्यान से, जो सिखा रहा था वो कौन है, जो सिखा रहा था वो कौन है, उसे आप क्या कहेंगे। सीधे सीधे शब्दों में हम पढ़ते हैं और आप अपने मुख से बोलते हो चेला। चेला किसका मतलब, चेला है तो कौन है, गुरु है, गुरु है। आप ऐसा बोलते हो चेला और गुरु। और जब मसीह गया तो उसने हमें कुछ दिया, वास्तविक रूप में, एक तथ्य के रूप में अब हमें रख दिया। वो था एक नेतृत्व के रूप में, वो था एक वास्तविकता के रूप में देह में, पर वो देह अब स्वर्ग चली गई। अब कुछ चीजें वास्तविक बनाएंगी और कहेगा अब मैं तुझे बनाऊंगा अपनी महिमा में। चलो ये बताओ, जो स्पिरिचुअल फादर मतलब जो आत्मिक पिता का विरोध करते हैं कि मेरा आत्मिक पिता कोई नहीं है, चला ये बताओ इजरायली छूटे कैसे। आप बाइबल को पढ़ने वाले आप भाई लोग हैं, बताओ इजरायली मिस्र से छूटे कैसे, कौन गया वहां पे, उत्तर दो जल्दी से, कौन गया वहां पे। उसने कहा कि भाई मेरे पास कोई आत्मिक पिता नहीं है, मैं बोलता हूं इसराइल में कौन गया मिस्र को छुड़ाने के लिए, सॉरी मिस्र से इसराइलियों को लेके आने वाला अगुआ कौन था। वहां कोई वास्तविक व्यक्ति था, वहां कोई तथ्य रूपी, एक शारीरिक रूपी वास्तविक व्यक्ति था जिसका नाम मूसा था। अच्छा चलो, अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपसे सवाल करता हूं। आप बोलते हो कि मैं आत्मिक पिता को नहीं मानता हूं, ऐसे लोग तो बिल्कुल वो परमेश्वर के वचन से विहीन होंगे। पर ध्यान से सुनो, आपको पता है एलियाह के बारे में, आप जानते होंगे एलियाह के बारे में, बिग प्रॉफेट, बड़ा भविष्यवक्ता था। आप जानते हैं कि उसने एक व्यक्ति को लिया, या उसका नाम है एलीशा, और एलीशा एलियाह के पीछे चला और उसने कभी नहीं कहा आप मेरे स्पिरिचुअल फादर नहीं, उसने कहा आप मेरे पिता हैं। यहां तक कि वो जाते समय जब स्वर्ग पर उठाया जा रहा था, उसने कहा हे मेरे पिता। अब बताओ जरा, आप जानते हैं कि मैं उन चीजों को पढ़ रहा हूं, मैंने कहा कि पिता का प्रगटीकरण हुआ। आपके घरों में कोई पिता है, आप उसे नहीं मानते हो, मानते हो, पिता आपका संरक्षक है, पिता आपका अगुवा है, पिता आपके जीवनों के लिए हर व्यवस्थाओं को करता है ताकि आप संकटों से बचें। जो आपको सिखा रहा होता है वो वास्तविक चीजों को लाएगा आपके लिए, पर कब, जब आप उसकी अधीनता को स्वीकार करोगे तब। अधीनता का मतलब कोई गुलामी नहीं, अधीनता का मतलब है आत्मिक नियम। हालेलुया, बोलो अधीनता गुलामी नहीं है, अधीनता बाइबल के अनुसार आत्मिक नियम है, आत्मिक नियम। और जब हम आत्मिक नियमों को मानते हैं तो हमारे लिए यीशु दे देता है पवित्र आत्मा को। और आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं, मेरा केवल यीशु मसीह। तो जाओ यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह तो स्वर्ग में गया, जाओ उसे ढूंढो। यीशु ने क्या कहा उस घमंडी आदमी से, आपको पता है कि बूढ़ा लाजर जब मर गया, जब वो गया शांति की जगहों पर, और फिर वो व्यक्ति भी मरा, धनवान आदमी वो भी गया, पर वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, उस आदमी ने कहा स्वामी मुझे जाने दे या लाजर को भेज दे कि मेरे भाई वो काम ना करे जो मैंने किया और मैं तड़प रहा हूं। उसने कहा उनके पास दे दिया गया है, उनके पास परमेश्वर का नियम है धरती के ऊपर, आपको दे दिया गया है धरती के नीचे के लिए काम करने के लिए। और उसके लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अपना आत्मा देता हूं, अपना पवित्र आत्मा देता हूं धरती के लिए। जिस तरह पुत्र दिया गया वास्तविकता में, वो दिखता था, वो खाना खाता था, वो चलता था, पर देखो उसने क्या कहा, जो मैंने किया वो तू भी करेगा, तू भी करेगा मतलब पवित्र आत्मा करेगा ऐसा नहीं, परंतु वो व्यक्ति करेगा जिसने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। अब वो वास्तविक बन जाएगा मसीहत में। अब जब वो चलेगा, बाइबल कहती है जब पतरस चल रहा होता है उसकी परछाई पड़ती है, बीमार चंगे होते हैं। आप बोलोगे मैं उसकी अधीनता में नहीं रहूंगा, ये आप गलत होंगे। आपको पतरस की अधीनता में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है पौलुस क्या कहता है। जब पौलुस के पास ऑफरिंग आता है, उसे भेंट आता है, तो कहता है कि मैं जाऊंगा और उसे यरूशलेम में देके आऊंगा। आप
किसी परिस्थिति के अधीन नहीं हो रहे हैं, आप आत्मिकता के अधीन हो रहे हैं। और जब आत्मिकता के अधीन आप होकर सीखते हो कोई बातों को, तो वो चीजें आप में बलवान होती हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलो, हालेलुया। ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग गलत चीजों को मनन करने के लिए विश्वासियों को दे रहे हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसने कहा कि कोई आत्मिक पिता नहीं होता है, सब लोग वही पिता के अधीन है। ये एक झूठा टीचिंग है, ये सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप स्वयं उस स्वभाव में खड़े हो, पर उसे आप झूठा ठहरा रहे हो। आप अपने आप को ही झूठा ठहरा रहे हो। जैसे कि कोई लीडरशिप करता है, जब एक सेवकाई के कलीसिया को वचनों को प्रचार करता है, तो जो प्रचार कर रहा है वो एक स्पिरिचुअल फादर हुआ उनके लिए, जो उनको सिखा रहा है, उनका एक आत्मिक पिता हुआ। अगर जो सिखा रहा है, अगर उनके सामने उनके बिलीवर्स बोले आप मेरे कुछ नहीं हो और मैं जा रहा हूं दूसरी जगह, तो आप बोलोगे ना 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 विश्वासी, आप मत जाओ भाई, आप मत जाओ, क्योंकि मैं यहां सिखाने वाला हूं। और आपने ही तो कहा ना कोई आत्मिक पिता नहीं होता। मैं फिर से बोलता हूं, वास्तविक नियम वास्तविक चीजों को आपके अंदर लेके आएगा। मैं फिर से बोलता हूं, गलत नियमों में आप वास्तविक नहीं बन पाएंगे, गलत चीजों में आप लंबे समय तक दौड़ नहीं कर सकते हैं। पर सही चीजों को लेना है जो आपको बल देंगी निरंतर, जो आपको सच्चाई में आपको बलवंत करेंगी निरंतर, और जो आपको शैतान से लड़ने के लिए तैयार करेंगे निरंतर, और जो आपको ऊंचा उठाएंगे निरंतर, उन बातों को ले लेना है। देखो इस वचन को फिर से देखें, उस पद को फिर से पढ़ें। यीशु ने उत्तर दिया, यूहन्ना 14 अध्याय का 23 पद, यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे, जो भी मैं पढ़ रहा था, हां देखिए पहली चीज उसने क्या कहा, 23 पद को देखो, यूहन्ना 14 अध्याय 23 पद, उसने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, देखो यहूदा ने कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रकट होते हैं, आप मेरे जीवनों के लिए प्रकट होते, पर संसार में क्यों नहीं? क्योंकि वहां गलत चीजें दी जा रही हैं, और जहां पर गलत चीजें दी जाएंगी, चाहे वो वचन के रूप में हो गलत चीजें दी जाएं, चाहे वो किसी भी चिन्ह के रूप में गलत चीजें अगर दी जाएंगी, वहां मसीह का प्रकटीकरण नहीं होगा। यहूदा ने कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रकट हो रहे हैं क्यों? प्रभु का जवाब है, सुनिए 23 पद को देखिए, यूहन्ना 14 अध्याय 23 पद, मसीह कहां प्रकट होगा? हाथों को उठा के बोलो, मसीह का प्रकटीकरण किस जगहों पे होगा? हमें इसे और मनन करना है, समझना है। मैं आज सोच रहा हूं, आज देखेगा अंधा यीशु के नाम में, आमीन बोलो, आज लंगड़ा चलेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप वास्तविक चीजों को सीखोगे, तो मैं कह रहा हूं कोढ़ आपका चला जाएगा यीशु के नाम में। यस, देखो 23 पद को, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, पहली वास्तविकता को पूरा करो। ये वास्तविक चीजें हैं जो प्रभु आपको सौंप रहा है कि तुम मुझसे वास्तविक प्रेम करो। आज केवल धन को प्राप्त करने के लिए, या मैं कहूंगा कि यह गलत दिशाओं में जाने के लिए, या आप किसी स्वार्थ के कारण मसीह के साथ में, तो आप पीछे हो जाएंगे, आपकी गिनती सांसारिकता में हो जाएगी। आप चाहे दुष्ट आत्माओं को निकाल भी क्यों ना लें, पर बाइबल अंत में कहती है, हे कुकर्मी मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि आपने वचनों को वास्तविक नहीं बनने दिया, आपने वचनों को सही नहीं बनने दिया। और जब आप वचनों को सही नहीं बनने देंगे, तो आप उसके सामने कुकर्मी कहे जाएंगे। हमारा विकास, हमारी उन्नति, मतलब आपका विकास, आपकी उन्नति वचनों के ऊपर है। जब आप सही चीजों को, जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आपके पास गैस है खाना बनाने के लिए, तो अगर आप उसे सही चीज से, सही तरीकों से इस्तेमाल ना करें, तो वो पूरे घर में आग लग सकती है और उससे लोग जल सकते हैं। पर हमें सही जानकारी मिलती है कि गैस ऐसे ही चलता है, या ऐसे ही गाड़ियां चलती हैं, या कुछ भी, आप अगर जब तक उसे अच्छी तरीके से सीखेंगे नहीं, वो आपके जीवन के लिए नहीं है। और जब आप उसे अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, वो आपके जीवन के लिए वास्तविक बन जाता है, मतलब आशीष के रूप में आ जाता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।